अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद तलहा आमिर, सीईओ होप प्राइवेट लिमिटेड। अल्हम्दुलिल्लाह, हम रियल स्टेट सेक्टर के अंदर अपने वैल्यूएबल क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स को रियल स्टेट से रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं रीसेल के हवाले से भी। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स की हैं और सब एक अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और हमारे साथ ही प्रॉपर्टी को ट्रेड भी कर रहे हैं और दोबारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, होप प्राइवेट लिमिटेड एक विजन और एक मिशन के साथ रियल स्टेट सेक्टर में आया है। हमने एक तो रियल स्टेट सेक्टर की बेहतरी के लिए जो हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे, और साथ साथ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ उसके जो प्री जो चीज़ें होती हैं उसको आप देख लें, अंडरस्टैंड कर लें। क्योंकि इस सेक्टर में आप देखते हैं जिस तरह प्रॉफिट्स भी हैं उस तरह लॉसेज भी होते हैं। मतलब ये सेक्टर इतना इजी नहीं है कि आप समझें कि बड़े आसान है इन्वेस्ट कर लें और प्रॉफिट्स ले लें। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, इलीगल चीज़ें होती हैं, कुछ फेक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको आपने मेक श्योर करना है कि उनको आपने अवॉइड करना होता है। उसको अवॉइड करने के लिए आप होप मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बेहतरीन सॉलिड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट द NOC। NOC एक अहम लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले, ख्वाह वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ख्वाह वो आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है। आज हम बात करेंगे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर NOCs लेने के क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे NOC लिया जाता है, ताकि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने डेवलपर से, अपने बिल्डर से पूछ सकें कि हम अभी किस स्टेज पे लोकेट कर रहे हैं, हमारी क्या स्टेज है और अभी हम कितने टाइम में स्टेज वो पूरी कर लेंगे। क्योंकि डेफिनेटली NOC से पहले और बाद में एक रेट्स का फ़र्क होता है, लेकिन आप ये भी मेक श्योर करें कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो एक राइट डायरेक्शन में जा रही है वो डेवलपर और बिल्डर ग्रुप। उसमें हम बात करते हैं पंजाब के अंदर जैसे कि लैंड सब डिवीज़न रूल्स हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, और उसमें ख़ास तौर पर इस तरह हम लोग रावलपिंडी में डील कर रहे हैं तो हम RDA के कुछ बायलाज के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, उसमें किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट ने अगर NOC के लिए अप्लाई करना है डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ जो वो है कि आपके पास मिनिमम 100 कनाल लैंड होनी चाहिए, मिनिमम 100 कनाल का कॉम्पैक्ट पीस होना चाहिए। आप 100 कनाल के ऊपर NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पंजाब के अंदर, किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। अच्छा, वो 100 कनाल का जो पीस है डेट शुड बी ऑन द 60 फीट वाइड गवर्नमेंट रोड, मतलब किसी भी सरकारी 60 फुट रोड के ऊपर वो आपकी लैंड लोकेट करनी चाहिए 100 कनाल। कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की ये नहीं है शर्त उस तरह से, लेकिन RDA के अंदर उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट 60 फीट रखी है कि 60 फीट रोड के ऊपर आपकी 100 कनाल कॉम्पैक्ट पीस होना चाहिए। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप SECP से रजिस्टर्ड फर्म करवाते हैं और रजिस्टर्ड फर्म के थ्रू आप RDA में एप्लीकेशन देते हैं NOC के लिए। अब NOC की एप्लीकेशन देने के लिए ये तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, लेकिन आपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिससे प्रोसेस हो गया आपको NOC मिलना है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, एक तो आपका सबसे पहले 100 कनाल लैंड 60 फीट रोड के ऊपर SECP से रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड फर्म होगी, SMC भी हो सकती है, SMC प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है और सिंपल प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। SMC कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी जो होती है, वो भी प्राइवेट बन जाती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद अपने साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने होते हैं, इनके साथ आपने एक लगाना होता है NEC सर्टिफिकेट। NEC कहते हैं नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट से क्या मुराद है कि आप जिस लैंड के ऊपर सोसाइटी बनाने जा रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में तो नहीं आ रही, फ्यूचर में कोई प्लान तो नहीं किया हुआ गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई शामला तो नहीं है, उसके ऊपर किसी और का दावा तो नहीं है कि उसकी लैंड है, या उसके ऊपर कोई इलीगल कोई केसेस तो नहीं चल रहे, या मतलब उसमें क्लियर है कि साथ वाले जो और आपके शरीक हैं उस ज़मीन के अंदर उन्होंने आपको अलाउ कर दिया है कि आप उसको NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ NEC। NEC के बाद ये आपको मिलती है सब रजिस्ट्रार से और तहसीलदार के ऑफिस से। इसके साथ आपने कॉम्पैक्टनेस सर्टिफिकेट लगाना होता है कि ज़मीन जो आप सोखना शो कर रहे हैं वो आपकी एक तो NEC है, उस पर कोई किसी किस्म की कंबरेंस नहीं है। देन सेकंड पार्ट इज़ कि वो आपकी कॉम्पैक्ट लैंड है, वो आपकी ये नहीं है कि आपकी 100 कनाल है तो 10 कनाल आगे है, दरमियान में फिर किसी की लैंड आ रही है और फिर आपकी आगे लैंड है। कॉम्पैक्ट लैंड का एक मिनिमम 100 कनाल का पीस आपका होना चाहिए। दो चीज़ें हो गई।
उसके बाद आपने साथ उसमें अक्स शजरा होता है जो कि पटवारी बना के देता है आपको कि आपकी ज़मीन जो है 60 फुट रोड के ऊपर उसको क्या अक्स क्या बन रहा है उसका लैंड के ऊपर, इसको टोपोग्राफी भी आप एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन जब पटवारी की तरफ से आएगा तो वेरीफाई होके लैंड आपकी वो सारा डॉक्यूमेंट लग जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपने क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाना होता है, इसके साथ आपने एक ERS रिपोर्ट जमा करवानी होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे। ये सर्वे हमें क्या बताता है, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जिस लैंड पे हम लोग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं वहाँ क्या पानी अवेलेबल है, क्योंकि आने वाले टाइम में हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है डेट इज़ वाटर इशू। अभी भी आप देखें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पानी के लिए बड़ी दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं, तो एक उनकी बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उस जगह पे पानी है, अगर तो पानी है तो फिर हम उसको साथ अप्लाई करते हैं, साथ उसको डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं। इसके साथ आप एक और डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, इसको कहते हैं जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि जो आप ये जमा करवाने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट, जिस सोसाइटी के लिए आप NOC लेने जा रहे हैं, क्या वो जियो टेक्निकली लैंड के हवाले से इस लेवल पे है कि वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बन सकें, कोई लैंड स्लाइडिंग में तो नहीं आ रही, कोई आपकी ऐसी जगह तो नहीं है कि जिसके ऊपर आप फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन ना कर सकें या कर सकें तो आपकी बिल्डिंग स्टेबल ना हो सकें। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप अटैच करते हैं। इसके साथ जो कि अहम डॉक्यूमेंट जमा होता है वो होती है फ्लड रिपोर्ट। वो आपकी अगर तो पास कोई छोटा मोटा डैम आ रहा है तो पंजाब स्मॉल डैम्स अथॉरिटी है, आप उनसे एक NOC लेते हैं कि आपके जो लैंड है ये आपकी प्रोन टू फ्लड नहीं है, कि आने वाले टाइम में किसी भी वजह से या पिछले पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि उसमें कहीं फ्यूचर में कहीं सैलाब तो नहीं आ सकता उसके ऊपर, फ्लड तो नहीं आ सकता। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप जमा करवा के अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ फ्यूचर में जमा करवाना होता है अगर आप उस एरियाज में प्रोन कर रहे हैं, डेट इज़ NOC फ्राम द एविएशन, कि क्या आपकी वो जगह एयरपोर्ट के रनवे के अंदर तो नहीं आ रही, कहीं एयरपोर्ट के बहुत करीब तो नहीं है, अगर है तो वहाँ से भी आप NOC लेते हैं। कि और NOC में क्लियर आपको बताया जाता है, अगर मिल जाता है आपको NOC कि कितनी हाइट तक की बिल्डिंग्स बना सकते हैं वहाँ पे आप, ठीक है। इसके साथ इसी स्टेज पे अगर आप देना चाहें तो इसी स्टेज पे ले लें, तो फ्यूचर में आपको थोड़ा सा EPA की तरफ से एक NOC लेना पड़ता है, डेट इज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। वो क्या करती है, वो आपको इन्वायरमेंट के हवाले से कि जहाँ पे आप सोसाइटी बनाने जा रहे हैं क्या वो आपकी ग्रीन लैंड तो नहीं है, कोई आपकी जंगलात की ज़मीन तो नहीं है, कहीं शामलात तो नहीं है, वहाँ पे ऐसी ज़मीन तो नहीं है जिसको आप अगर सोसाइटी बनाने जा रहे हैं उससे इर्द गिर्द के लोगों को वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स को तो इफेक्ट नहीं होगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप जमा करवाते हैं कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी में फ़र्स्ट टाइम, मतलब आपने ये सब NOC लेने के लिए एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए साथ अटैच करने होते हैं फ़र्स्ट टाइम। ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं आप, कंप्लीट करने के बाद आप RDA को जमा करवाते हैं फॉर NOC। अब RDA क्या करता है, RDA जो लेट से जो भी कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो क्या करती है, वो इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद आगे मतलब जो NOC है या कंपैक्टनेस सर्टिफिकेट उनको देखते हैं, उसको देखने के बाद आगे कंसर्न दो डिपार्टमेंट्स को आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड की जाती है, दो डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखे जाते हैं, एक उसमें है वासा एंड द अदर इज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वासा को जब फॉरवर्ड किया जाता है वासा चेक करता है कि जी क्या इस जगह पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या जो इसमें फ्यूचर के अंदर सीवरेज ड्रेनेज के जो इश्यूज आने जा रहे हैं, सैनिटेशन के इशू आने जा रहे हैं, क्या हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि ये ठीक है तो देन वो एक लेटर दोबारा RDA को लिखते हैं कि वो इस पे प्लानिंग परमिशन आपको अलाउ कर रहे हैं वासा वाले। इसी तरह एक लेटर आपका जाता है रेवेन्यू को, रेवेन्यू वाले दोबारा उस लैंड को अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए दोबारा उस जगह को जगह पे जाते हैं, अपने रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं, फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो साइट पे जाते हैं, कंसर्न उनके ऑफिसर्स साइट्स पे जाके उन लैंड्स को वेरीफाई करते हैं जो लैंड जमा करवाई है जैसे कि एप्लीकेंट कह रहा है क्या वैसे ही है। अगेन अगर लैंड इज़ वेरीफाइड देन रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोबारा RDA को लेटर लिखता है कि लैंड इज़ वेरीफाइड एंड ओके फ्रॉम आवर साइट। जब आपको वासा से प्लानिंग परमिशन मिल गई, रेवेन्यू से क्लियरेंस मिल गई और आप एक लंबी लिस्ट जो मैंने आपसे शेयर की है पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं, तो फिर RDA आपको देता है प्लानिंग परमिशन। ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या मिलता है, प्लानिंग परमिशन, कि एप्लीकेंट को डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कहती है कि नाउ यू कैन प्लान योर प्रोजेक्ट। कि आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई कर लिए हैं कि आप अपनी सोसाइटी को प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा इससे पहले आप अपने प्रोजेक्ट को ना बेच सकते हैं ना डेवलप कर सकते हैं, दिस इज़ द इशू।
ये सब कुछ करने के बाद आपको पीपी मिलती है, इसको बड़ा मशहूर कहते हैं, पीपी लेटर, पीपीएल भी कहते हैं, पीपी वन भी कहते हैं, पीपी भी कहा जाता है, डेट इज़ प्लानिंग परमिशन। उस प्लानिंग परमिशन का क्या मतलब है, जैसे ही कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको प्लानिंग परमिशन का लेटर देती है तो एप्लीकेंट अब लीगली उस सोसाइटी पे प्लानिंग शुरू कर सकता है। प्लानिंग से क्या मुराद है कि अब आप उस पे लेआउट प्लान बना सकते हैं, लेआउट प्लान बना सकते हैं उस लैंड के ऊपर अकॉर्डिंग टू द कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह पंजाब के अंदर आपके मॉरल एस सेम ही बायलाज हैं, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसमें डिसाइड जो होता है कि आपने पार्क्स कितने परसेंट देने हैं, रोड्स कितने परसेंट देनी है, ग्रेवयार्ड कितने परसेंट होगा, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने देने हैं, देन कमर्शियल कितने परसेंट होगा, रेजिडेंशियल कितना एरिया दे सकते हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें प्लान कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो कि आपके बायलाज हैं आरडीए के और कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के और पंजाब के सब डिवीज़न जो बायलाज हैं उन सब को देखते हुए आप उसके ऊपर उसको प्लान बनाते हैं। उस सब प्लान को बनाने के बाद अब दोबारा जमा करते हैं कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी को। कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करती है, आपके बनाए हुए प्लान को रिव्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू द बायलाज। वो देखते हैं कि आपका लेआउट प्लान क्या वैसे ही है जैसे हमारे बायलाज हैं, अगर तो लेआउट प्लान ठीक है या उसमें कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है तो आपको अथॉरिटी कहती है कि आप इसको रिवाइज़ करके ले आएँ, हमारे पास ये परसेंटेज ज़्यादा है या ये कम है, इसको ऐसे प्लान कर लें, वो भी आपकी बेहतरी के लिए चीज़ें होती हैं, वो आपको उसमें एड्रेस कर देते हैं। उसके बाद जब आपकी सब चीज़ें आपका लेआउट प्लान अकॉर्डिंग टू द बायलाज कंप्लीट हो जाता है तो फिर सोसाइटी आपको लेआउट प्लान अप्रूव कर देती है। डेट इज़ द सेकेंड स्टेज कि आपका एलओपी अप्रूव हो चुका है। अब देखिए पहली स्टेज क्या थी, प्लानिंग परमिशन, देन आपका एलओपी अप्रूव। अब आपने माइंड में रखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्लानिंग परमिशन की स्टेज के ऊपर हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि एलओपी की स्टेज के ऊपर हैं। देन जब उस एलओपी को अप्रूव कर दिया जाता है देन कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी वही लेआउट प्लान अपने इंजीनियरिंग विंग को फॉरवर्ड करता है। इंजीनियरिंग विंग क्या चेक करता है, इंजीनियरिंग विंग के साथ साथ आपके जो बाकी थोड़े से आपके एनओसीज ले आओ, एलओपी के स्टेज के ऊपर ही आपका एविएशन का अगर तो एनओसी पहले था ठीक है, नहीं तो आप स्टेज पे ले लेते हैं, देन आपके ईपीए और बाकी सारे ईपीए के साथ साथ ये जब रिपोर्ट लगती है इसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, एलओपी के बाद फाइनल दोबारा एक ओपन हेयरिंग होती है। ओपन हेयरिंग में एक ओपन कचहरी लगती है, उसमें लोकल लोगों से पूछा जाता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने में कोई इशू तो नहीं है, अगर वहाँ से कोई फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता तो देन ये भी अप्रूवल मिल जाती है। और मीनवाइल आपका जो इंजीनियरिंग विंग होता है किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो आपके इंजीनियरिंग डिज़ाइन, लाइक आपने एक रोड नेटवर्क बना दिया कि ऐसे रोड गुजरेगी यहाँ से, जब ऑन साइड देखते हैं जैसे कि आप जानते हैं पोठोहार का रीजन है, यहाँ पे डिफरेंट कंटोर्स के ऊपर लैंड्स हैं, जो लैंड्स हैं वो सेम लेवल के ऊपर नहीं हैं, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन हैं। सम टाइम मैं आप विजिट करता हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे तो एक ही लैंड के अंदर मुझे 300 से 400 फीट तक उसमें लेवल डिफरेंसेस आते हैं एक ही साइड के अंदर, तो उसको एड्रेस किया जाता है कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें फिजिबल हैं। उसमें इंजीनियरिंग में आपकी जो ड्रेनेज हैं, रोड नेटवर्क्स हैं, आपके इलेक्ट्रिकल, आपके सीवरेज, आपका हॉर्टिकल्चर, आपके एसटीपीज, सब चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। और अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको रिविजन में देखा जाता है अगर तो ओके हैं, अदरवाइज़ प्लानिंग भी रिवाइज़ करनी पड़ती है। समटाइम प्लानिंग को रिवाइज़ करके फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन, दोनों पैरेलल चलती हैं चीज़ें। जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग लेआउट प्लान अप्रूवल को इंजीनियरिंग डिज़ाइन से अप्रूवल मिलती है देन आपको कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी NOC देती है, फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अब हमें कोई इशू नहीं है, अब आप जाके इसको बेच सकते हैं, अब आप जाके इसको बना सकते हैं। लीगली ये वो तरीकाकार है जिन स्टेप से गुजर के एक सोसाइटी NOC लेती है। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी सोसाइटी के पास मिनिमम 100 कनाल कॉम्पैक्ट लैंड है और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे हैं और वो सीरियस हो के NOC लेने की कोशिश करते हैं, सीरियस हो के मतलब अपने सब रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की, देन आई डोंट थिंक सो इस पर ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब इस पर आपको मैक्सिमम ये 6 मंथ्स से 1 ईयर के अंदर अंदर आप सारी चीज़ें कंप्लीट करके एक आसानी से NOC ले सकते हैं, ठीक है। उसमें अब ये देखा जाता है, अब इसमें इशू क्या आता है कि कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कहती हैं कि जब तक आपके पास NOC नहीं है आपने जगह को नहीं बेचना, आपने डेवलपमेंट नहीं करनी। इशू क्या होता है, सोसाइटीज़ जल्दबाजी करती हैं, वो पहले बेचना शुरू कर देती हैं, डेवलपमेंट शुरू कर देती हैं, उससे फिर कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ साथ और बेशुमार अदारे एक्टिवेट होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो देखते हैं कि अवाम के साथ
कुछ गलत ना हो रहा हो या कोई फेक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट ना कर दें, वो फिर एक कॉम्प्लिकेशंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं। जितना आप लेट डॉक्यूमेंट्स पूरे कर देंगे, जितना आप लेट कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास एनओसीज के लिए जाएंगे, उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहेंगी। ये वो एक प्रोसेस है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एनओसी लेने के लिए। ये आपको मैंने स्टेप बाई समझा दिया है और बता दिया गया है ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी इन्वेस्टर, क्लाइंट या यूज़र कहीं भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाए तो एटलीस्ट उसे पता हो कि उसका प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छी रिसर्च करके, रिसर्च टीम के थ्रू एवेल्युएट करते हैं प्रोजेक्ट्स को, कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, और अपने एंड यूज़र और कस्टमर्स को बताते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो लीगली कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं, इसके हवाले से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप होप प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट करें ताकि हमारी रिसर्च टीम आपको बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, ताकि आप लोग किसी बड़े नुकसान से बच सकें और अपनी जमा पूंजी को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उस पर अच्छे प्रॉफिट्स हासिल कर सकें। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपको रियल स्टेट से रेलिवेंट अपडेट्स और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।